क्रूज को, क्रूज वाले एक प्राइवेट धन पशु को माला पहनाते हो, आपका डीएम, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन पलकें बिछा करके स्वागत करता है क्या? तो एक क्रूज आया, क्रूज आया क्या गाजीपुर के बेरोजगार नौजवानों के रोजी रोटी का समस्या का हल करेगा क्या वो क्रूज? गंगा मैया की गोद में तैरता हुआ एक शानदार खूबसूरत होटल जिसमें देश और विदेश के विलासिता में लिप्त पैसे वाले धनवान महीनों महीनों जा करके 12 लाख रुपए का एक एक पैकेज है उसमें, अब बताया जा रहा कि अगले 5 साल के लिए बुक है, मीडिया के लोग उसकी तारीफ करने में खोल दिया गया रास्ता। नड्डा जी आए थे, कितनी फेलियोर रैली थी, कभी उस मैदान की टोटल कैपेसिटी 4000 है और उस मैदान में 3,32,000 जिसमें ये सब लोग जो सरकारी लोग, अब इसको आप समझते हैं, इसी से अंदाजा उन्हें लगा लेना चाहिए कि गाजीपुर की जनता का मूड क्या है। आइसोलेट कर दिया गाजीपुर की जनता ने। मैं तो उस दिन गाजीपुर में था, हमारे 2 प्रोग्राम थे, सैदपुर में भी प्रोग्राम था और अंतिम प्रोग्राम जखनिया विधानसभा में भुड़कुड़ा में हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग तो भुड़कुड़ा में मौजूद थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री आया है, अब बमुश्किल 3,000-3,500 के बीच में संख्या है सारे अधिकारियों कर्मचारियों सरकारी मेहमानों को बुलाने के बाद। तो गाजीपुर की जनता ने तो अपने रुख का अंदाजा करा दिया, वो सीख दे रहे हैं जनता को गलत बटन दबाते हो और जनता सीख दे रही है उनको कि तुम अपने सही रास्ते पर आओ। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में देश के संविधान के जो सिस्टम है उसके हिसाब से हर 5 साल के बाद काफी जनता जांचती है। 5 साल तक जो सत्ता में रहता है चुनाव से पहले उसकी काफी मीडिया के बंधु जांचते हैं। बहुत आरोप है इन सरकारों के ऊपर कि तमाम जो राष्ट्र की धरोहर है बेची जा रही, लाल किले को डालमिया को दे दिया गया, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल प्राइवेट हाथों में दी गई, बैंक प्राइवेट हाथों को सौंपने जा रहे हैं, हवाई जहाज बिक गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता कि सब बेच करके एक चीज तो खरीद लिया और वो खरीद लिया देश की मीडिया को। अब उनके हर कुकर्मों पर पर्दा डालना और उनके गलत फैसलों को भी सराहना आज मीडिया की साख को बट्टा लगा है, लेकिन बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और मीडिया वाहवाही उन्हीं की कर रहा है। हैं कहीं एक्का दुक्का लोग ऐसे जो साहस कर लेते हैं वास्तविकता दिखाने की,